पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने जन्म नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और यह जन्म नक्षत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि इस धरती पर जब कोई जन्म लेता है तो कोई ना कोई नक्षत्र उस समय होता है, और जो नक्षत्र उस समय होता है उसी का स्वभाव और प्रभाव पूरे जीवन मनुष्य के मन में रहता है। तो आज हम मूल नक्षत्र, जिसको मूल के मूल कहते हैं, मूल नक्षत्र का प्रभाव लेकर के आए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण यह नक्षत्र है और अत्यंत मंगलकारक यह नक्षत्र है। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में नहीं भी हुआ तो भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में इस मूल नक्षत्र का हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम सफलता प्राप्त करें, यह आपको आज विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो नक्षत्रों के क्रम में यह 19वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र को मूल की संज्ञा दी गई है। इसके स्वामी केतु होते हैं और इसके देवता नैऋत्य होते हैं, निरति होते हैं। इस नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं और इनके नामाक्षर क्रमशः ये, यो, भा, भी, ये मूल नक्षत्र के चार चरण होते हैं। यह चारों चरण तीक्ष्ण संज्ञक दारुण संज्ञा वाला अधोमुख नक्षत्र है और इसका वर्ण जाति क्रूर है। इसका वृक्ष राल का वृक्ष है और इसकी आकृति 11 तारों वाले आकाश मंडल पर एक ऐसी आकृति में शंख अथवा शेर की पूंछ के समान दिखाई देने वाली होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने पर केतु की महादशा मिलती है और इन जातकों पर इस नक्षत्र के स्वामी केतु का भी प्रभाव पूरा रहता है। वैसे इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह गुरु हैं, तो गुरु का भी प्रभाव इस नक्षत्र में, राशि के स्वामी हैं तो राशि के स्वामी होने से इस जातक के अंदर गुरु के भी बहुत गुण होंगे, और इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं तो बहुत से गुण केतु के भी पाए जाएंगे। यद्यपि यह नक्षत्र गंडमूल में आता है सो इसकी शांति करवा लेना जातक के लिए अत्यंत शुभ रहता है और उससे धन का सुख और लाभ उसको जीवन में प्राप्त होता है। कृषि कार्य, फल फूल का भंडारण, उत्पादन, बीजों का रक्षण, धन व्यवसाय, ब्याज का लेन देन, शुद्ध चिकित्सा, लड़ाई, लेखन कला, नृत्य कला, इतने कार्य इस नक्षत्र में आते हैं। वैसे इस मूल नक्षत्र में विवाह आदि सारे मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। और अब हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उनका गुण और स्वभाव कैसा होगा। ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दृढ़ विचारों वाले और गजब का निर्णय लेने की क्षमता होती है, विलंब नहीं करते, कोई बात हुई उसी समय एस नो में तुरंत जवाब दे देते हैं। इन्हें शिक्षा में विशेष रुचि होती है और उस रुचि के अनुसार इनको अच्छी शिक्षा की उपलब्धि भी मिलती है। अपनी खोज ये अन्वेषी रखते हैं, नित्य प्रति कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं। प्रखर बुद्धि के चलते गहन शोध करने वाले होते हैं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इनकी अच्छी रुचि रहती है और भविष्य के प्रति हमेशा ये गंभीर रहते हैं। इनको बचपन से ही पता रहता है कि आगे चलकर इनको क्या करना है। ये इस मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को आभास रहता है कि हमको अपने जीवन में कौन सा कार्य करना है, उसका प्लान भी ये पहले कर लेते हैं। हर चीज इनके पास पहले से सोची समझी रहती है। ये दयालु स्वभाव वाले और एक कुशल वक्ता होते हैं और अच्छे भावुक स्वभाव के चलते ये सबकी मदद और सबका सहयोग समाज में करते रहते हैं। यदि कुंडली में केतु अच्छे
संबल प्राप्त करके गुरु की स्थिति अशुभ हो तो उपरोक्त तथ्य विपरीत हो सकते हैं। जो हमने गुण बताए हैं, यदि जन्म नक्षत्र जन्म के समय केतु और गुरु की स्थिति छठे आठवें बारहवें हो, अंशों से कमजोर हो, किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो, तो यह फल उनके लिए उल्टा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बालक को स्वास्थ्य की तरफ से परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रायः ही यह स्थिति 8 वर्ष की आयु तक बनी रहती है, क्योंकि गंड मूल में पड़ने के कारण ये 8 वर्ष तक बालारिष्ट से प्रभावित रहते हैं। ऐसे जातकों में हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र के भी प्रेमी हो सकते हैं और आक्रामकता बनी रहती है। ये प्रायः अधिक दिखावे और बड़ी बड़ी हाँकने वाले हो सकते हैं। दूसरों की गुप्त बातों को भी ये उजागर करने में शीघ्रता करने वाले होते हैं। कामुकता, स्त्री लोलुपता की भावना भी इनमें अधिक पाई जाती है। दूसरों के धन पर भी ये कैंची लगाने में बहुत माहिर होते हैं। यदि जान जाएं तो कहीं न कहीं बहुत जल्दी आपसे लाभ ले लेंगे। और कलह प्रिय स्वभाव रखने वाले होते हैं। मूल का अर्थ होता है जड़, मूल नक्षत्र का अर्थ है जड़, अर्थात ये किसी चीज की जड़ तक पहुंचने में बड़े माहिर होते हैं। पाराशर ऋषि के अनुसार ये लोग मूल वस्तुओं जैसे वृक्ष, जीव, धरती के भीतर जो पाई जाने वाली वस्तुएं हैं वो अपनी आजीविका में ये शामिल करते हैं। यदि मूल नक्षत्र में स्थित चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो तो ये जातक धनी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। कुंडली में शुभ स्थिति होने पर ऐसे जातक अलग विचारधारा के साथ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यदि इन्हें किसी बंधन में न रखा जाए तो अपना अलग ही स्थान और मुकाम हासिल करते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं और अपने पूर्ण प्रयासों से उसकी ओर अग्रसर रहते हैं जब तक इनको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। कार्यस्थल पर हमेशा आगे बैठते हैं, अपने कार्य को समय पर पूरा करके चलते हैं, अधिकारियों की पसंद यही रहते हैं। यह लोग अपना खुद का व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं। चुनौतियों से लड़ना इनको पसंद होता है और संयम के साथ शत्रुओं से भी आसानी से निपट लेना यह इनके अंदर विशेष गुण पाया जाता है। इसलिए नक्षत्रों के क्रम का यह मूल नक्षत्र अत्यंत प्रभावशाली नक्षत्र है। जितने भी प्रकार के धार्मिक कार्य हैं, संस्कारित कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, इस नक्षत्र में संपन्न कराए जाते हैं। इसलिए इस मूल नक्षत्र से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस नक्षत्र का माध्यम लेकर के हम उपरोक्त व्यापार आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह हमने आपको मूल नक्षत्र का पूर्ण प्रतिफल बताया और अगले भाग में अगले नक्षत्र का प्रभाव लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।